स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। यण संधि की परिभाषा, यण संधि में ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से इनके स्थान पर य व और अर हो जाता है। यानी जब ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र हो जाता है। जैसे ई ई प्लस अन्य स्वर, ई ई को अगर अन्य स्वर से मिलाया जाए तो क्या बनता है, य बनता है। ई प्लस अ क्या बना, य। ई प्लस आ बना या, बड़ी ई प्लस अ बना य, बड़ी ई प्लस आ बना या। जैसे यदि प्लस अपि क्या बना, यद्यपि। द में क्या है, छोटी इकार है और ये अ, छोटी इकार और अ मिलकर बना य, इसलिए इसमें क्या आ गया, यद्यपि। और ये द जो है ये द आधा है क्योंकि ई यहाँ पर आ गया है, इसलिए इसको हम किस में लिखेंगे, आधे द के रूप में लिखेंगे, इसलिए इसके नीचे हमने हलंद लगाया है। वैसे इति प्लस आदि इत्यादि, तो ई और आ मिलकर या बना, इसलिए ये हो गया इत्यादि और य त यहाँ पर आकर आधा हो गया है, इसलिए इत्यादि। वैसे ही देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण, तो व भी आधा होकर यहाँ आ गया है और ई प्लस अ य बना, इसलिए देव्यर्पण। देवी प्लस आलय देव्यालय, तो व यहाँ आने पर आधा बन जाएगा और ये हो जाएगा देव्यालय। वैसे ही ई प्लस उ यू, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, त में छोटी इकार है और ई, छोटी इकार और उ मिलने पर क्या बना, यू बना और ये त यहाँ पर आने पर बन गया आधा त। वैसे ई प्लस उ यू, तो नी प्लस उन बना न्यून, तो न में छोटी इकार है और ये उ, तो ये हो गया यू और ये न आधा न के रूप में आ गया। वैसे ही बड़ी ई प्लस यू बना यू, तो सखी प्लस उदय सख्युदय। बड़ी ई प्लस उ यू, नदी प्लस उर्मी नद्युर्मी, तो फिर से बोल रही हूँ कि जब यहाँ से वर्ण चेंज होकर यहाँ पर आता है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर खड़ी पाई वाला है तो ऐसा होगा, अगर बिना खड़ी पाई वाला है तो नीचे क्या होगा, हलंद लगेगा। वैसे ही ई प्लस ए ये, तो प्रति प्लस एक क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। बड़ी ई प्लस आई ये, देवी प्लस ऐश्वर्य दिव्यश्वर्य बन गया। तो वैसे ही जब उ को अन्य स्वर से मिलाया जाता है तो क्या बनता है, व। ई को अन्य स्वर से मिलाने पर बनता है य, और उ को अन्य स्वर से अगर मिलाएंगे तो बनता है व। तो उ प्लस अ व, तो सु प्लस अच क्या होगा, स्वच्छ, क्योंकि उ और अ मिलने पर क्या बना, हमारा व बना, इसलिए स्वच्छ हुआ और ये स यहाँ पर आकर आधा हो गया। वैसे ही छोटी उ प्लस आ क्या बना, वा, तो सु प्लस आगत क्या बना, स्वागत। बड़ी उ प्लस आ बनता है वा, इसलिए वधु प्लस आगमन वधवागमन, तो इसमें ये ध यहाँ आ गया तो आधा हुआ और ये क्या हो गया, आ। तो वैसे ही उ प्लस ई बना वी, तो अनु प्लस इत, तो न यहाँ पर जब आया तो ये अनुस्वार का रूप इसने ले लिया क्योंकि न क्या है, आधा है। वैसे ही ऊ प्लस ए क्या है, वे, तो अनु प्लस एशन क्या हो गया, अन्वेषण। अनु यहाँ आया तो आधा हुआ, तो इसमें क्या हो गया, अनुस्वार का इसने रूप ले लिया। वैसे ही तीसरा ग, री। री को अगर अन्य स्वर से मिलाया जाए तो किस में बदल जाता है, वो र में बदल जाता है। तो री प्लस अ क्या बना, र। री प्लस आ बना रा। री प्लस उ बना रू, छोटी उ है इसलिए इसमें क्या है, रू। री प्लस ई बना री, छोटी ई है इसलिए
री की मात्रा। अभी देखिए इसमें पितृ प्लस अनुमति, त में क्या है री की मात्रा है और ये अनुमति अ, तो री और अ मिलने पर र बना, तो इसलिए इसमें हमने क्या लिखा पितृनुमति लिखा। और जैसा कि हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा हुआ है त प्लस र क्या होता है त्र होता है, इसलिए यहाँ पर त और र के मिलने पर हमारा ये क्या बन गया है त्र बन गया है, तो ये हो गया पितृनुमति। वैसे ही पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, त प्लस र मिलकर त्र बना और ये आ है इसलिए ये क्या हो गया त्रा, तो पित्राज्ञा। वैसे ही मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश, क्योंकि इसमें भी री की मात्रा है और ये उ इसलिए ये क्या बन गया त्रु, त प्लस र त्रु। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, तो इस प्रकार आप लोगों ने यण संधि के बारे में सब समझ लिया होगा। अब हम अंतिम जो संधि है अयादि संधि उसके बारे में पढ़ेंगे।